मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर है, जहां साहित्यकार का उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा सम्मानित किएगा। एक साथ ही साथ बता दें कि रीवा में जल्द ही साहित्यकार भवन के निर्माण के बाद उप मुख्यमंत्री के द्वारा कही गए जेकर जगह के चुनाव कई के निर्माण काम जल्दी शुरू करवा वजे। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल माम पूजा अपना पंचे सभी जन इनका प्रणाम करी थे, शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दें कि तमाम साहित्यकार डॉक्टर चंद्रकांत चंद्र और वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल के संयोजन एवं नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के आवास में पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री के द्वारा साहित्यकार के सम्मान किएगा। बता दें कि उनके द्वारा कहा गया कि साहित्यकार के द्वारा समाज और देश के रचनात्मक विकास और उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका के निरूपण करे के हमेशा समाज का जागृत करे के काम करें ही, जिसके फलस्वरूप लोगन की सोचे की दिशा बदली है, समाज के वातावरण बदला है, जन जन संकुचित मानसिकता के दायरे से बाहर निकल के विस्तृत परिदृश्य मापन विकास खोजे का तत्पर रहा है। साहित्य समाज के दर्पण होत है और यह बात सही मायने में सच साबित भई है। यह अवसर में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा साहित्यकार का संबोधित करके कहा गया कि रीवा में शीघ्र साहित्यकार भवन के निर्माण करवावा जाए, जैसे खातिर स्थान के चुनाव के निर्माण काम शुरू हुई। यहाँ हर प्रकार के साहित्यिक गतिविधि के संचालन के सुविधा उपलब्ध मिली। फिलहाल खातिर कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम के बगल में स्थापित हाल का साहित्यकार भवन के रूप में उपयोग करे के निर्देश दीन गए। ये दौरान मौजूद सांसद जनार्दन मिश्र के द्वारा साहित्यकार के अभिनंदन किएगा और कहा गया कि लेखनी से निकले शब्द प्राणवायु के रूप में व्यक्ति और समाज का ऊर्जान्वित करत हम। वरिष्ठ पत्रकार साहित्य वेत्ता जयराम शुक्ल के द्वारा कवि प्रदीप शर्मा के द्वारा रचित और संगीतबद्ध गीत माँ बिहार की आरती के लोकार्पण उप मुख्यमंत्री के हाथ से करवावागा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा साहित्यकार के आह्वान के कहा गया कि 22 जनवरी 2024 से संस्कृत विद्यापीठ श्री पंचमठा आश्रम घाट बिहार में माँ बिहार की आरती के कार्यक्रम माँ गंगा और माँ नर्मदा की आरती की तरह अनवरत चली, जिमा सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। रीवा के एपीएसयू विश्वविद्यालय में बघेली पीठ के शीघ्र स्थापना के कार्रवाई की घोषणा के साथ उपस्थित साहित्यकार के साथ स्वल्पाहार और मकर संक्रांति के बधाई दे के राजेंद्र शुक्ल के द्वारा बता दी कि साहित्यकार का विदाई देंगे। सजग रही, सतर्क रही, रखी अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम।